हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अमरीकी फैसले पर यूरोपीय यूनियन समेत दीगर आलमी रहनुमाओं का इजहार तशवीश। ईरान, इराक, कतर, मिस्र की शदीद मुजम्मत। बरतानिया, जर्मनी और फ्रांस का भी डोनाल्ड ट्रंप के फैसले से इख्तलाफ। अरबी का हंगामी इजलास हफ्ते को तलब। ओआईसी का सरबराही इजलास 13 दिसंबर को अंकरा में होगा। अक्वामे मुत्तहदा के सेक्रेटरी जनरल भी अमरीकी फैसले के मुखालिफ। अमरीकी महकमा खारजा के मुताबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप के फैसले पर फौरी अमल दरामद होगा। पाकिस्तान खुद मुख्तार फलस्तीनी रियासत की हिमायत करता है। अमरीका का फैसला सलामती काउंसिल की करारदादों के खिलाफ है। तर्जुमान दफ्तर खारजा, अमरीका के इस्लाम दुश्मनी का इतना बड़ा नमूना पहले नहीं देखा। वजीर खारजा ख्वाजा आसिफ का ट्वीट। मकबूजा बैतुल मक्दस को इसराइल का दारुल हुकूमत तस्लीम करने पर कराची में एहतजाज। यूनिवर्सिटी रोड पर टायर नजरे आतिश। हुकूक के लिए एहतजाज करना दहशतगर्दी नहीं। एसएसपी असमतुल्लाह तशद्दुद केस में इमरान खान का मौकिफ। इस्लामाबाद की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में कप्तान की पेशी। अदालत का दायरा इख्तियार और दहशतगर्दी की दफा चैलेंज। इमरान खान की अबूरी जमानत में 11 दिसंबर तक तौसी। के अंदर डिक्टेटोरियल माइंडसेट है जो एक मिलिट्री डिक्टेटर की गोद में पले हुए वो ही केस कर सकते हैं, किसी को दहशतगर्दी का जिसके ऊपर केस कर सकते हैं जिसने एक पुरअमन एहतजाज किया। शहबाज शरीफ और राणा सनाउल्लाह सानिया मॉडल टाउन के जिम्मेदार हैं। दोनों से इस्तीफे लेकर दहशतगर्दी के मुकदमा कायम किए जाएं। इमरान खान का मुतालबा, कहते हैं सुल्ताना डाकू से मवाजना ना किया जाए, ऐसे लोगों से हाथ मिलाना भी पसंद नहीं। सदर आसिफ अली जरदारी का डॉक्टर ताहिर कादरी से राबता। सानिहा मॉडल टाउन की रिपोर्ट पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं में आज बाज़ाब्ता मुलाकात हो गई। कराची में गैर कानूनी हाइड्रेंट्स खत्म कर दिए, सिर्फ कानूनी हाइड्रेंट्स चल रहे हैं। एमडी वाटर बोर्ड का सुप्रीम कोर्ट रजिस्ट्री में बयान, गलत बयानी पर कार्रवाई होगी। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स, अदालत को गैर जरूरी केसेस के बोझ तले दबा नहीं सकते। चीफ जस्टिस ने वाटर हाइड्रेंट से मुतालिक खुद नोटिस केस निपटा दिया। यकीनी सियासी सूरत हाल, पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज पर फिर हावी। केएससी 100 इंडेक्स 650 पॉइंट्स कमी से 39,300 की सतह पर आ गया। अमरीकी इमा पर भारत चीन में भी दरअंदाजी करने लगा। भारतीय ड्रोन चीन की सरहदी हदूद में गिरकर तबाह। भारत ने इलाकाई हाकमियत की खिलाफ वर्जी की, चीनी हुकाम की मजम्मत। शुमाली कोरिया को अमरीका से जम का खर्चा। तर्जुमान के मुताबिक अमरीका और जनूबी कोरिया की फौजी मशकों ने तसादुम को यकीनी बना दिया। शुमाली कोरिया जंग नहीं चाहता मगर किसी से डरने वाला भी नहीं। कराची के इलाके डिफेंस से अगवा बच्चा, गुलिस्ताने जौहर से बाजियाब। एक मुलजिम गिरफ्तार, अगवाकारों ने 15 करोड़ रुपए तावान मांगा था। दीर बाला में बारातियों की गाड़ी को हादसा, दो बच्चे जाबहक, 4 खवातीन समेत 8 अफराद जख्मी, अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया।
मुल्क भर में सख्त सर्दी का राज, कराची वाले भी ठंड की लपेट में। शहर कायद का दर्जा हरारत कम से कम 5 रिकॉर्ड, क्वेटा में -9 डिग्री सेंटीग्रेड ने निजामे जिंदगी को जमा दिया। Christie's $400 million is the bid and the piece is sold. दुनिया की महंगी तरीन पेंटिंग का पुर इसरार खरीदार सऊदी शहजादा निकला। शहजादा बाबर बिन अब्दुल्ला ने इटली के आर्टिस्ट लियोनार्डो रिवेंची की तस्वीर को $45 करोड़ में खरीदा। ये कीमत रोहिंग्या मुसलमानों की इमदाद के लिए की गई अपील से भी कई ज्यादा है। अक्वामे मुत्तहिदा ने $12 लाख की इमदाद की दरख्वास्त की थी।